कल नतु का अनुमान पहले समझ लीजिए, नूपुर से नूपुर बताइए। बिल्कुल सर, ऑपरेशनली थोड़े कमजोर रह सकते हैं अपोलो हॉस्पिटल के जो नतीजे हैं क्वार्टर टू के वो कंपनी की आय देखे तो, हालांकि यहाँ पे 11% का अनुमान लेके चल रहे 4,740 करोड़ के आसपास आती हुई दिखेगी। ऑपरेशनल लेवल पे सिर्फ 2% की ग्रोथ लेके चल रहे 580 करोड़ का मुनाफा आ सकता है। कंसोलिडेटेड लेवल पे मार्जिन भी देखेंगे तो यहाँ पे आपको थोड़ा श्रिंक होते हुए दिखेंगे, थोड़े घटते हुए नजर आएंगे, 13% से घट के 12% के मार्जिन हो सकते हैं। और मुनाफा भी देखे तो सिर्फ 8% की ग्रोथ ही यहाँ पर लेके चल रहे 230 करोड़ के आसपास मुनाफा आ सकता है। हॉस्पिटल कारोबार में थोड़ी म्यूटेड ग्रोथ है, सिर्फ 11% की ग्रोथ लेके चल रहे। हॉस्पिटल सेल्स टू एबिटा भी 5% की ग्रोथ ही आती हुई नजर आएगी। ऑक्यूपेंसी में थोड़ी सुधार आपको नजर आ सकती है, लेकिन जो कंपनी का ऑनलाइन बिजनेस है 24/7 उसमें घाटे बढ़ते हुए दिखेंगे तो आपको ऑपरेशनली नंबर्स थोड़े कमजोर आते हुए नजर आ सकते हैं। फार्मेसी बिजनेस पर की ग्रोथ पर नजर रहने वाली है तो ये इंपॉर्टेंट होगा। हॉस्पिटल कारोबार ठीक ठाक रहने वाला है, लेकिन 24/7 जो है अपोलो वहां पे घाटे बढ़ेंगे जिसकी वजह से ऑपरेशनली नंबर्स थोड़े कमजोर अपोलो हॉस्पिटल की तरफ से हो सकते हैं। अपोलो हॉस्पिटल हल्के फुल्के कमजोर नंबर्स आने की उम्मीद आप लेकर चल सकते हैं स्टॉक। हालांकि 30 रुपए मजबूती के साथ वहाँ अपोलो हॉस्पिटल नीचे और अरबिंदो फार्मा में भी सोचा, और अपोलो हॉस्पिटल के रिजल्ट आने वाले और अरबिंदो फार्मा का स्टॉक क्यों आ रहा है। हाँ, तो अरबिंदो फार्मा तो सुबह से मजबूत है। अपोलो हॉस्पिटल का चार्ट दिखाइए। इस बीच CESC के नतीजे भी आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिख रहे हैं, और उसके बाद जो अभी बात निकली ना डेट याद रखने की।